में हमने प्रण लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन किया कि कोई 10-20 साल नहीं, लगातार 40 सालों से जनता को उम्मीद है और निरंतर मांग जारी है कि बालोतरा जिला बढ़े। और बालोतरा जिला क्यों बनना चाहिए, दूरी के लिहाज से देखें हैं तो सबसे बड़ी दूरी शिवाना और पशुपतरा का अंतिम गांव है जो 200 ऊपर किलोमीटर है, और बालोतरा और पशुपतरा की दूरी भी 100 किलोमीटर है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर पशुपतरा में स्थापित हो रही है तो उनकी प्रशासनिक मॉनिटरिंग और देखरेख के लिहाज से भी बालोतरा जिला जरूरी है। कपड़ा उद्योग है, नमक उद्योग है, और भी मिनरल्स निकल रहे हैं। तो इतने बड़े भूभाग में जो बाड़मेर इतना बड़ा है कि राजस्थान के 13 जिलों से बड़ा है, और कई देश है जो इतने बड़े नहीं है जितना अपना बाड़मेर, इसलिए बालोतरा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते जरूरी था। हमने निवेदन किया तो हमें उस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ कमेटी की घोषणा की। अब मुझे किसी ने कहा कि अगर गत बार आपने जूते छोड़े हैं तो इस बार क्या छोड़ने में, कि न का तो सवाल ही नहीं। हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के श्री मुख से घोषणा होगी, बालोतरा जिला बनाने की घोषणा करता हूँ तो मानो जितनी दिवाली की खुशी है ऐसी खुशी हर वर्ग को होगी, कोई निराश नहीं होगा। हर आदमी चाहता है, साहेब मेरे पक्ष की विचारधारा का है या विरोध की है। और दूसरी मुझे खुशी यूँ है कि हमारी मजबूत पैरवी का एक और रीजन है कि बाड़मेर के सातों विधायक सब एक ही आवाज में स्वर समिति से हमने कहा है कि बालोतरा जिला बने, और जो बाकी बाड़मेर जिला रहेगा ये दोनों सत्र के जनप्रतिनिधि और आम लोग स्वर समिति से निर्णय लिया है। हम एक राय और एक मत हैं, एक परिवार में भी सहमति बनाना अपने आप में नहीं है। तो इसलिए इस बार न का तो सवाल ही नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिले की घोषणा करें।